नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैचों का आयोजन यूएई में होगा, जिसको लेकर अब टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस समेत कई टीमें यूएई पहुंच भी चुकी हैं और अपनी अपनी तैयारियों में भी लग गई हैं। अभी सीजन में शानदार खेल दिखाने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र के बचे हुए मैचों के लिए शनिवार को यूएई रवाना हो गई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। फ्रेंचाइजी ने लिखा, फिर से उड़ चला 2.0, हम संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें पहले ही यूएई पहुंच गई हैं। दोनों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी से यूएई रवाना होगी। टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहले ही फिटनेस कोच के साथ यूएई में हैं और बाकी खिलाड़ी भी जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अय्यर ने हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास की है। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान अय्यर ने अपना कंधा डिसलोकेट कर लिया था और इसी वजह से वो सीजन के पहले हाफ में नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई थी। अब उनकी वापसी तय मानी जा रही है और पंत से कप्तानी लेकर अय्यर को वापस दे भी दी जाएगी। बता दें, आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वायरस ने बायो बबल में सेंध लगा दी। मई की शुरुआत में कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे बीसीसीआई ने इसे स्थगित करने का फैसला किया। अब तक 29 मैचों का आयोजन हो गया था। ऐसे में अब 14वें सीजन के बाकी बचे मैच यूएई में 19 सितंबर से खेले जाएंगे। दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच ब्लॉकबस्टर क्लैश के साथ इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली की टीम ने पहले हाफ में शानदार खेल दिखाया था। टीम ने 8 में से 6 मुकाबले जीते थे और 2 मुकाबले गंवाए थे। टीम 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है। एक मैच और जीतते ही टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। आपको बता दें, आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के मैच दुबई में कुल 13 मैच, शारजाह में 10 और अबूधाबी में 8 मैच होंगे। 27 दिनों में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।